लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बौखला गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में बेटे पर इरादतन हत्या का सवाल पूछे जाने पर भड़के मंत्री जी और पत्रकारों को दी जमकर गालियां। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को दिल्ली तलब किया है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर हो सकता है जवाब तलब। तो लखीमपुर कांड पर जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, जो मंत्री जी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है, पूछताछ हो सकती है जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट में उनके बेटे का नाम सामने आया है? जी देखिए, अभी अजय मिश्रा टेनी को बुलाया नहीं गया, लेकिन बुलाया जाएगा इतना हमें पार्टी के टॉप सोर्सेस ने बताया है। और इस बदली हुई परिस्थितियों में जो पहले अजय मिश्रा ने पार्टी को बताया था, उसके बाद जो अभी जो जांच में एसआईटी की जांच में चीजें सामने आई हैं, उस पर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि पार्टी की स्टेटेड पोजीशन ये है कि बेटे की किसी भी कार्य की सजा पिता को नहीं दी जा सकती, और ऐसा कई बार पार्टी ने कई मौकों पर साफ भी किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनावी परिस्थिति में पार्टी क्या निर्णय लेती है बदली हुई परिस्थिति में, इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल विकास भदौरिया, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और हम बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों को कुचलने के आरोप में जेल में बंद हैं, और कल एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें नाम आया। और हम आपको बता दें कि मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया इसी बाबत, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा तो आप सुनिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। अरे फोन बंद कर दे, पूछो क्या सीट लगाई है? नहीं नहीं, आईटी में लगाई है। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? चौकी पर चले जाइए शाम में। अरे फोन बंद कर दे, दिमाग खराब है। पूछो क्या सीट लगे? नहीं नहीं, आईटी में लगाई है ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? तो मंत्री जी को आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, गाली भी दे रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं, और मीडिया के रिपोर्टर से कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है। किसको शर्म आनी चाहिए ये आप तय कीजिए। और अब मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी रणबीर का, जो लखनऊ में मौजूद है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी अब से कुछ देर बाद लखनऊ पहुंचने वाले हैं एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। रणबीर, कितनी देर में यहाँ अजय मिश्रा टेनी पहुंच जाएंगे, और जिस तरीके की अभद्रता उन्होंने इस रिपोर्टर के साथ दिखाई आज, मुझे लगता है सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछा जाना भी चाहिए। कितनी देर में आएंगे फिलहाल ये साफ नहीं है कि मंत्री जी कितनी देर में पहुंचेंगे, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं। और आज जो घटना हुई है, आप देखिए कि आम तौर पे किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, मीडिया सवाल करता है, लोग बच के निकल जाते हैं, नो कमेंट्स कह देते हैं, या मामले की जाँच हो रही है, फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। लेकिन ये अकड़ है और ये धौंस है कि मंत्री जी ने न सिर्फ अभद्रता की,
अपशब्द कहे, बल्कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ गवाही दे रही है कि किस तरह का उनका एक रवैया मीडिया के प्रति है। हमने सिर्फ अपना काम किया, हमारे रिपोर्टर ने SIT की रिपोर्ट को लेकर के सिर्फ उनसे पूरी मर्यादा के साथ सवाल किया था, लेकिन उसके बाद उनका आचरण इस तरह का था कि वो हर कोई जानता है, वो हर कोई देख रहा है। आज वो लखीमपुर से निकले हैं, एक ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम में अस्पताल में पहुंचे थे, वहीं पे ये घटना हुई है और उस घटना के बाद वो लखनऊ के लिए निकले थे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ मंत्री जी पहुंचेंगे, कब हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह का आचरण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि से जनता का सवाल पूछते हैं और जनता जानना चाहती है कि अजय मिश्रा टेनी ने जो कहा था कि अगर उनके बेटे की भूमिका साफ होती है, अगर जाहिर होता है कि उनके बेटे की भूमिका थी, तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो जनता जानना चाहती है कि वो इस्तीफा देंगे तो कब देंगे, और इसी सवाल के लिए लखीमपुर में भी हमने कोशिश की और लखनऊ में भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रणबीर, और ABP न्यूज भी इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि जब आपके बेटे का नाम SIT की रिपोर्ट में आया है और एक पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, तो किसने आपको यह हक दिया कि आप धक्का दीजिए, गाली गलौज कीजिए और इस तरीके से अभद्रता कीजिए। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों के कुचलने के आरोप में जेल में बंद है और कल SIT की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि किसानों का कुचला जाना महज एक घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। आज जब इसको लेकर हमारे रिपोर्टर ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी आपे से बाहर हो गए, कैमरे पर ही धमकाने लगे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा और धक्का मुक्की भी की गई। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई है, पर क्या सवाल मत करा करो, बात खराब है क्या है? अरे फोन बंद कर दे। ये देश के मंत्री की भाषा है, सवाल मत करा करो, बात खराब है क्या है? ये देश के एक मंत्री की बोली है। अरे फोन बंद कर दे। देश के एक मंत्री कैसे सवाल पूछने पर खुलेआम धमकी देते हैं, उसकी तस्वीर है ये। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर लखीमपुर में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से SIT की रिपोर्ट पर सवाल हुआ तो मंत्री आपा खो बैठे। ABP न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर नवीन को मंत्री महोदय ने कैमरे पर ही धमकाना शुरू कर दिया। मंत्री महोदय से सवाल सिर्फ इतना था कि SIT की रिपोर्ट में साजिश की बात सामने आई है, मंत्री ने कैसा आपा खोया और धमकी पर उतर आए आज पूरा देश देख ले। शर्म नहीं आती है सही? मंत्री ने न सिर्फ दिमाग खराब है क्या भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि रिपोर्टर के हाथ से मोबाइल भी ले लिया। अरे फोन बंद कर दे। तो मंत्री जी अहंकार से चूर है, अकड़ आपने उनकी देखी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का ये पूरा विवादास्पद जो वीडियो है वो 4 मिनट 21 सेकंड का है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय ने इस वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया है जिसके मुताबिक मंत्री ने 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, 4 बार मंत्री जी के मुंह से कैमरे पर गाली निकली है, धक्का देने की कोशिश करते हुए कहते हैं, आप सुन सकते हैं क्या कह रहे थे बे, ये किस तरह की भाषा है। मीडिया के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया मंत्री जी के द्वारा, चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया लोकतंत्र का, ऐसे में चोर शब्द का इस्तेमाल मीडिया के लिए किया गया। औसतन हर 29 सेकंड पर एक बार अपशब्द का इस्तेमाल मंत्री जी के द्वारा किया गया। जब इस पूरे वीडियो का विश्लेषण हमने किया तो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया। मीडिया से बदसलूकी के बाद मंत्री अजय मिश्रा विपक्ष के निशाने पर हैं। इनका एग्रेसिव नेचर और बदतमीजी करना और चोरी और सीनाजोरी करना और इसके इतना बड़ा हादसा खत्म हुआ 5 लोगों का, 9 लोग की मौत हुई उनकी गाड़ी और उनके बेटे की वजह से, और वो खुद उस कॉन्स्परेसी में मुलविस है,
और पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मगर जमहूरियत में ना पत्रकार खामोश बैठेगी ना जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है। और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के सामने, उन्हीं के घर में हुई, उन्हीं की गाड़ी। देश के अन्नदाताओं को जब इनकी गाड़ी ने रौंदा था तब सारा देश कह रहा था कि ये जानबूझ के किया गया व्यवहार है, उस समय सरकार नहीं मानी। आज एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि ये जानबूझ के सोच समझी प्लानिंग थी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाना। और सरकार का घमंड देखिए, आज तक वो मंत्री बरकरार है, और मंत्री साहब का घमंड देखिए, पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तुरंत प्रधानमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए और देश की जनता से इनके कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। बदतमीजी की हदें पार कर चुके हैं, एक तो चोरी की उसमें सीना जोरी हो रही है, डेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ कि इस माध्यम से आप लोग भी, सारे पत्रकार भी अपनी आवाज उठाएंगे और इनको माफी मांगने के लिए और उनको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो किस तरीके से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार मंत्री जी के द्वारा किया गया, उसको लेकर मंत्री की अभद्रता पर एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल, गृह राज्य मंत्री की अभद्रता पर आखिर न्याय किससे मांगे, मंत्री टेनी ने रिपोर्टर का मुंह बंद करने की कोशिश क्यों की थी, मीडिया का काम सवाल पूछना, मंत्री जी आखिर क्यों भड़के, ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, बेटे पर मर्डर केस, मंत्री टेनी कब देंगे इस्तीफा, टेनी मंत्री रहे तो क्या बेटे पर केस प्रभावित नहीं होगा, गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें सिद्धू ने लिखा है संभावनाओं की तस्वीर, चमकते सितारे हरभजन के साथ। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि हरभजन सिंह क्या कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, ये तस्वीर क्या कह रही है, क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने यही निकालने चाहिए हमें कि आने वाले टाइम में हरभजन सिंह कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं और उनको जलंधर के बगल वाली सीट नकोदर से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। ये अटकलें बड़ी तेजी से भी चल रही हैं और कांग्रेस के सर्कल के जो तमाम बड़े लीडर हैं उन्होंने भी हमसे बताया था कि भाई हरभजन सिंह से बातचीत चल रही है। हालांकि ये नहीं है कि अकेले कांग्रेस ने ही हरभजन सिंह से बात की है, इसके अलावा भी दो पार्टियों ने कोशिश की थी कि हरभजन को चुनाव लड़ाया जाए इस बार विधानसभा का। लेकिन आज जो फोटो नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर दी है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस इसमें एक कदम आगे चल रही है और अगर हरभजन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो अभी जहां वो रहते हैं जलंधर में, जहां उनका घर है शोभना, वो इलाका आता है जलंधर कैंट सीट में जहां से कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह चुनाव लड़ते हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि बगल की नकोदर सीट से कांग्रेस हरभजन सिंह को चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि वहां से पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो अब कांग्रेस को छोड़कर जगबीर बराड़ कांग्रेस को छोड़कर अकाली दल में जा चुके हैं, लिहाजा उनकी सीट खाली हुई है तो कांग्रेस इनको वहां से उम्मीदवार भी बना सकती है अगर ये। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, आप नजर बना के रखिए और जैसे ही कोई अपडेट होगा हरभजन सिंह को लेकर सबसे पहले जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाएंगे। उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां वीर गाथा हैं झांसी की रानी की। 164 वर्ष पुरानी उस तलवार की चमक आज भी बुंदेलखंड में बरकरार है। अंग्रेजों के खिलाफ उठी हुंकार बुंदेलखंड के कण कण में गुंजायमान है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है झांसी, जहां लोगों से जानेंगे कि इस बार जनता किसका निकालेगी दम और किसका फहराएगी परचम। राजा राम हो, चलो बता
ध्वनि से बड़े बड़े रजवाड़ों ने हमेशा शंखनाद किया है, यानी कि युद्ध की शुरुआत हो या फिर युद्ध खत्म होने की भी वो बात जो सबको बता दी जाती थी सिर्फ इस रमतुला के बजने से। लेकिन मैं इस समय हूँ झांसी में, झांसी के किले की पहचान झांसी की रानी है। झांसी की बात करें तो कई और ऐसी बातें हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि नृत्य। इस राई नृत्य की खासियत है कि इसे तब किया जाता है जब शुभ हो या फिर जीत का अवसर हो या उत्सव का, राजा राम की बात हो या फिर वीरांगनाओं की बात हो। पूछते हैं लोगों से कि आप कलाकार हैं, क्या महत्व है इस नृत्य का और रमतुला का? जी, रमतुला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब राजा रजवाड़े जंग के लिए जाते थे तो आगाज कर देते कि हम जंग के लिए तैयार हैं और रमतुला बजाया जाता था। रमतुला बजाने में मेहनत कितनी लगती है और अगली पीढ़ियां इसमें आ रही हैं कि नहीं? बहुत मेहनत लगती है, हमारे दादा परदादा बजाते रहे और अभी हम बजा रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी विधा है कि हम चाहते हैं कि ये कभी भी लुप्त ना हो। सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है? हम चाहते हैं कि सरकार इस विधा को और ज्यादा निखेरे बिखेरे। बुंदेलखंड की शान है रमतुला। समय बदल गया है, इस बार चुनाव का माहौल है, लेकिन 18 अगस्त का लहंगा हो या फिर राई नृत्य हो, दिखना होगा और देखना होगा कि आखिरकार झांसी की जनता कैसे झांसी का परचम आगे बढ़ाती है। हमारे साथ हैं हरगोविंद कुशवाहा जी, न सिर्फ कलाकार हैं बल्कि राज्य मंत्री भी हैं। आप ये बताएं कि 1857 के झांसी और 2021 के झांसी में क्या अंतर है? उस समय तो वही चीज थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही थी, सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रिपटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन 1857 के बाद करीब 170-175 साल बाद अब 2021 की झांसी में बहुत परिवर्तन आ गया है। वीरांगनाओं का तो ये इलाका रहा है, लेकिन क्या इस इलाके के मुद्दे में कुछ परिवर्तन आया है? इस बार के चुनाव के मुद्दों को कैसे देखें? नहीं, चुनाव के मुद्दों में तो चाहे जब भी चुनाव हो, बुंदेलखंड खास तौर से दो चीजों से त्रसित रहा है। एक तो पानी से, यहाँ पीने के पानी का अभाव रहा और खेतों को पानी का। अगर ये समस्याएं दूर हो जाएं, तो बुंदेलखंड तो पूरे उत्तर भारत में नाम कर जाएगा। सरकार की सफलता और विफलता केंद्र और राज्य की कैसे देखते हैं कलाकारों के लिए और बुंदेलखंड के लिए? खास तौर से अभी कलाकारों के लिए तो बुंदेलखंड में कोई काम नहीं किया गया। चाट एक ऐसा व्यंजन है जिसमें करारापन भी होता है और टिकिया की गर्माहट भी होती है। राजनीति भी कुछ इसी तरह है, कभी नरम कभी गरम, स्वाद बदलता रहता है राजनीति का। मैं इस समय हूँ नारायण चाट भंडार में, झांसी की बहुत ही फेमस दुकान कहें इसे। विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि क्या चाट में कोई परिवर्तन आया है कोविड और अभी के काल में या पिछले 5 साल? जी बिल्कुल आया है। कोविड के समय तो बाजार बहुत मंदा था, अब थोड़ा सा बाजार उठान पे आया है। परिवर्तन क्या है, दाम बढ़ा है? जी, अब एक्चुअली में थोड़ा सी महंगाई हो गई थी हर चीज में, उसकी वजह से थोड़े से हम लोग को दाम बढ़ाना पड़े। दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत सारे लोग झांसी के यहाँ पर खाने आते हैं, क्या है इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे, क्या सोच कर वोट करें? मैडम, विकास तो काफी हुआ है। महिलाओं के लिए इस बार क्या मुद्दे हैं? झांसी की रानी झांसी से ही है। जी, झांसी से ही हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि कोविड वालों के लिए इतनी सारी योजनाएं निकलती हैं, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुँचता है। क्या इस बार मुद्दे हैं, इस बार क्या सोच कर वोट? मुद्दे तो ये है कि जो विकास की बात करेगा, बात नहीं करेगा, काम करेगा। मैं बचपन से छोटा था जब से सुन रहा हूँ झांसी में एयरपोर्ट बनेगा बनेगा बनेगा, कब बनेगा कहाँ बनेगा ये तो मैं नहीं जानता। बिजली आ रही है बिजली जा रही है और यही बता रही है कि झांसी का क्या हाल है। रानी की झांसी की बात तो की जा सकती है, लेकिन जब यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें झांसा दिया गया है तो जवाब जनता ही देती है। सैडी और यह है स्माइली। झांसी के लिए ये अब एक नया प्रोडक्ट है।
या यूं कहें नई रफ्तार पर दौड़ रहा है, क्योंकि झांसी के तहत यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत इसे ही सिलेक्ट किया गया है, स्टफ टॉयज या सॉफ्ट टॉयज को। पहले कुछ ही स्टफ टॉयज बनते थे, कुछ ही लोग इसमें शामिल थे, लेकिन अब जहां पहले 100 होते थे वहां हजारों लोग इसी कारोबार से जुड़ गए हैं। मैं इस समय हूं श्री राधे स्टफ टॉयज में, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 2 लोगों से शुरू करके 50 से अधिक को एक साथ जोड़कर कारोबार को कई गुना आगे बढ़ा लिया है। लेकिन क्या एक जनपद एक उत्पाद के तहत कुछ अंतर आया है? नीरज शर्मा जी, क्या अंतर आया है और कैसे स्थितियों में परिवर्तन हुआ? पहले हम 2 लोग काम करते थे, मियाँ बीवी। अब जो है हम लोगों के साथ करीब 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से माल ले जाते हैं और अपने घर पे सिल के भर के दे के जाते हैं। मटेरियल के लिए हम लोगों को अभी थोड़ी समस्या है यहाँ पर। महिलाओं से पूछते हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है इससे जुड़ने के बाद? क्या आया? इससे मुझे काफ़ी पैसा भी मिला, रोजगार भी मिला है। मैं बेरोजगार थी पहले, 4 पैसे भी मिल रहा है। लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, वो भी मिल रहा है। लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ है, यानी कि एक ऐसा काम है जो घर से ही जुड़कर बन जाता है, घर पे बैठकर सिलाई बुनाई और उसके साथ भराई का काम हो जाता है। क्या फायदा हुआ है आपको स्टफ टॉयज बनाकर? कितना समय लगता है, कैसे घर चलता है इसके? नहीं, बहुत फायदा हुआ है। घर में बैठे रहो, कोई काम नहीं था, अब इससे तो बहुत फायदा है। छोटा मोटा अपना कोई भी खर्चे का काम निकल जाता है इससे। इसका जो पीस बनाया है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि अभी तक सॉफ्ट टॉयज में कोई भी झांसी की रानी अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, ये मैंने पहला पीस बनाया है। झांसी की रानी पहचान है झांसी की, देश की, लेकिन उसके साथ उनकी प्रतिभा, उनके शौर्य ने न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पायर किया है। बुंदेलखंड में बीजेपी ने पिछले दोनों चुनाव में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस बार क्या 19 सीटों पर दबदबा रहेगा? बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से आकाश यादव। आकाश, कितना भरोसा है पार्टी की जीत का इस बार और किस आधार पर? जो आगामी चुनाव है उसको लोगों को अखिलेश जी को लाना है, ये जनता तय कर चुकी है। आरोप आप पर बहुत सारे लगे हैं इसके पहले भी, तुष्टिकरण के, भ्रष्टाचार के, उसको कैसे साइड करेंगे? उसको हम साइड, देखिए ये भाजपा के लोग दूसरों पर आरोप ही लगा सकते हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर लेकर आप इस बार चुनाव के मैदान में? महंगाई का है, एक हमारा बेरोजगारी का है, तो ये दोनों मुद्दे बहुत ज़्यादा अहम हैं और गरीब जनता जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है इस महंगाई में। बुंदेलखंड की जनता जवाब देगी कि किस तरह सरवाइव कर रही है या नहीं। झांसी जनपद की 4 विधानसभा सीटों में से एक है बबीना, इस पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। हमारे साथ है राजीव सिंह जी, विधायक है वहां से, जीत हासिल की, रिकॉर्ड दर्ज किया। इस बार इस क्लीन स्वीप का कुछ भरोसा है या डगमगा रहे हैं? इस बार भी बुंदेलखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप होगा, 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। किस आधार पर ये कह रहे हैं? यहाँ पे बीजेपी ने बहुत काम किया। तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि पूरी स्थिति उनके फेवर में है, भीड़ है रैली में, पोस्टर्स लगा रखे हैं चारों तरफ। नहीं, पोस्टरों से वोट तो नहीं मिलते, और मैं समझता हूँ रैली जितनी बीजेपी के पास रैली में जो भीड़ होती है उससे तो 1/4 भी नहीं होगी। बुंदेलखंड का मुद्दा, पलायन का, गरीबी का, बेरोजगारी का, कैसे देखेंगे और क्या कहकर जाएंगे जनता में दोबारा वोट मांगने? नहीं, बीजेपी के ने जब से यहाँ पे सरकार बनाई है 2017 से, यहाँ पे पलायन पे बहुत ज्यादा नियंत्रण आया है। 2017 में हम 19 सीटें लेके आए थे, हम फिर 2022 में दोबारा से 19 में से 19 सीट लेके आएंगे। तट पर बसे झांसी जिले की हमेशा अपनी शौर्य और वीरों की गाथा रही है, वीरांगनाओं की भूमि रही है ये। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनावी समीकरण बदल गए हैं, यानी कि हर स्तर पर बीजेपी का भगवा परचम लहराता रहा है। गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो या फिर संसद तक, हर सीट पर, हर जगह पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। लेकिन पथरीली जमीन पर कमल खिलाने के बाद क्या इस बार बीजेपी के ही किले में सेन लगा देगी समाजवादी पार्टी और अपनी साइकिल लेकर तेज चली जाएगी? 4 विधानसभा सीटें हैं झांसी में, चारों पर ही बीजेपी का कब्जा रहा है। झांसी, मौरानीपुर,
गरौठा और बबीना। इन चारों सीटों में बीजेपी के कब्जे की जमीन होने की वजह से हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी भी काम करे, लेकिन वीर और वीरांगनाओं की इस भूमि में पत्थर और पथरीली जमीन तो है, तो वहीं समस्या भी है पीने के पानी की, पलायन की और उसके साथ कुछ ऐसी पीड़ा जो खत्म नहीं होती है। क्या इस बार के चुनाव में झांसी को कुछ राहत मिलेगी या फिर एक बार वो अपनी ही डगर पर चलेगी, क्योंकि झांसी की एक खासियत रही है कितनी ही पीड़ा हो बीड़ा उठाता है ये शहर, ये इलाका बुंदेलखंड, और इस बीड़े के साथ ही आगे बढ़ जाता है। ये बताने के लिए कि ये वीरांगनाओं की ज़मीन है, झांसी की रानी की ज़मीन है, जिसने हमेशा वो किया है जो असंभव है और उसे ही संभव कर दिखाया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और चंद्रकांत यादव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झांसी, एबीपी न्यूज। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर ये बड़ी खबर। सूत्रों का कहना है कि अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे अपने पद से। आज सुबह से लगातार हम एक वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने जब अजय मिश्रा टेनी से सवाल पूछा एसआईटी जांच को लेकर, तो किस तरीके से उन्होंने अभद्रता की। ये खबर आ रही थी कि उनको शायद दिल्ली तलब किया जाएगा। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाएगा, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के एक उच्च सूत्र ने हमें अभी थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी दी। उनका कहना है कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रहा है, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है, एसआईटी के अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, ऐसे में अजय मिश्रा इस जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो अजय मिश्रा अगर जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो उनको हटाने का सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अजय मिश्रा टेनी राज्य के गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री नहीं है जो जांच को प्रभावित कर पाए, वो केंद्र के हैं और केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए भी अजय मिश्रा को हटाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप अभी न्यायालय में साबित होना बाकी है, वो दोषी नहीं करार दिए गए, इसलिए भी अजय मिश्रा टेनी को हटाने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर बता दिया गया है कि अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे, उनको पद से नहीं हटाया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में वे अपनी जगह पर बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी यही निकल कर आ रही है कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला एसआईटी की जांच के दायरे में है और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच कर रही है, इसलिए अभी अजय मिश्रा टेनी के हटने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, ये सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर आ रही है। ABP News, आपको रखे आगे।